हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी शाम के 4 बज चुके हैं एंड सूरज ढलने को है। तो आप सभी को पता है नॉर्थ इंडिया में विंटर स्टार्ट हो चुके हैं एंड सनसेट काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो मैंने भी अपना वर्कआउट रूटीन थोड़ा सा प्रीपोन कर लिया है। मैं अब 4 से 5 बजे के बीच में वर्कआउट करता हूं। मैं आपको हमेशा से बोलते आया हूं कि वर्कआउट करने से पहले वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है टू प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम इंजुरीज। सो आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी को अपना प्री वर्कआउट वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग रूटीन शेयर करने वाला हूं। सो गाइज लेट्स गो टू द एक्सरसाइजेस। सो गाइज स्ट्रेचिंग हम टॉप टू बॉटम हर बॉडी पार्ट का करेंगे। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि आप टॉप से बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप करें, सो दैट आपको याद रहे कि आप कौन से मसल्स को वार्म अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपके नेक से स्टार्ट करने वाला हूं। सो नेक के लिए हम अपने साइडवेज मूवमेंट करेंगे हम, उसके बाद हम टॉप टू बॉटम करेंगे, फिर सर्कुलर ऑन आइदर साइड। आप हर मूवमेंट को 30 सेकेंड तक परफॉर्म करिए। सो इससे हमारे नेक मसल स्टेबलाइज हो चुके हैं। अब नेक के बाद हम आते हैं शोल्डर जॉइंट्स पे। हम स्मॉल सर्कल्स बनाएंगे जिससे कि हमारे शोल्डर कफ्स में मोबिलाइजेशन आए। हम 30 सेकेंड्स के लिए इसको भी परफॉर्म करेंगे दोनों क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में। उसके बाद हम रेडियस इसका बढ़ाएंगे नाइस एंड स्लो। आप इसको जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आप आराम से करेंगे स्लोली, अपना फोकस मेंटेन रखेंगे, माइंड टू मसल कनेक्शन बनाएंगे। देन फ्रंट, इसके बाद हम अपने लैट्स को स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद हम अपने फोर आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे, इसको भी हम 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखेंगे। सिमिलरली अगले हाथ से अब हम अपने रिस्ट मसल्स को मोबिलाइज करेंगे। जैसे कि अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये सब लिफ्ट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो हमारे रिस्ट पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, इस वजह से हम अपने रिस्ट को भी वार्म अप करेंगे। इसके बाद हम अपने एल्बो जॉइंट्स को मोबिलाइज करेंगे। सी अगेन, जो हमारी लिफ्टिंग एक्सरसाइज होती है चेस्ट शोल्डर बाइसेप्स ट्राइसेप्स, उसमें एल्बो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो एल्बो को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइज ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपर बॉडी ही वार्म अप करना है, या फिर आप अगर लेग्स वर्कआउट कर रहे हैं तो सिर्फ आप लेग्स को ही वार्म अप करें। वार्म अप आप 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं फॉर एवरी बॉडी पार्ट। अब हम अपने हिप के लिए करेंगे ऑल्टरनेट टो टचेस। अपने पैर को वाइड करके आप राइट हैंड से लेफ्ट टो एंड लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करेंगे। ये भी हम 30 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट खड़े होके अपने टोज को टच करेंगे, इससे आपके हैमस्ट्रिंग पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। इसके बाद हम वाइड स्क्वाट्स के पोजीशन पे जाएंगे एंड स्ट्रेच करेंगे। तो वाइड स्क्वाट्स करने से आपके इनर थाइस पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। अभी जैसे कि मैं भी वार्म अप कर रहा हूँ तो मेरे लेग्स भी बिल्कुल भी वार्म्ड अप नहीं है, सो आई एम गेटिंग अ नाइस स्ट्रेच ऑन माय लेग्स। आप नीचे जाके थोड़ी देर होल्ड करें एंड देन अप। इसके बाद अगर आपके पास कुछ पकड़ने की जगह है तो आप पकड़ के अपने लेग्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली आप दूसरे पैर से करिए। आप साइड मूवमेंट कर सकते हैं, अब हमारे इनर थाइज वार्म्ड अप हो चुकी है, अब हम अपने फुल क्वाड्स को वार्म अप करेंगे। सी गाइस, अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, एक होता है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, एक होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग वो होता है जैसे हमने इससे पहले किया था, डायनेमिक स्ट्रेचिंग में आपका बॉडी पार्ट जो है वो मूव करता है, एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आपके मसल स्टैटिक रहते हैं एक जगह पे।
सो जैसे अभी हम ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, क्योंकि आपका मसल मूव नहीं कर रहा, आपका मसल स्टैटिक है एक जगह पे। और ये इसी से पहले जो हमने एक्सरसाइज किया था लेग्स मूवमेंट का, दिस वॉज अ डायनेमिक स्ट्रेचिंग। सो अभी तक हमने अपने ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट्स को वार्म अप कर लिया है। अब हमारी लास्ट पार्ट बची हुई है जो कि हमारी काव्स। काव्स को करने के लिए हम अपने एंकल को पीछे प्रेस करेंगे सो दैट आपके काव्स पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेस आए। एंकल को मैं पीछे की पीछे पुश कर रहा हूँ। सो इस एक्सरसाइज को भी आप 30 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल एक 30 सेकेंड्स के लिए जंपिंग जैक्स करें। सो जैसा कि अभी तक मैंने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को वार्म अप कर लिया है, सो जंपिंग जैक विल बी माय फाइनल कंक्लूडिंग एक्सरसाइज, जिससे कि मेरी पूरी बॉडी वार्म अप हो चुकी है, मेरे सारे जॉइंट्स मोबिलाइज हो चुके हैं एंड नाउ आई एम रेडी फॉर माय वर्कआउट। मैं आप सभी से रिकमेंड करता हूं कि वर्कआउट करने से पहले आप इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को ज़रूर करें, ताकि आपको इंजरी के चांसेस बहुत ही कम हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाके थम्स अप दबाइए। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, गुड बाय।